हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार। आज हम बात करने वाले हैं राशि फल की। हम जानेंगे कि आज का दिन यानी कि 2 जून 2020 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, यह जो राशि फल होते हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, यह आपके गोचर पर आधारित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें किन बातों पर ज्यादा फोकस करना है, हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, जिससे हम हमारे पूरे दिन की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में। तिथि है 11 दोपहर 3:12 तक। वार है मंगलवार और अभिजीत नक्षत्र रहेगा दोपहर 11:59 से 12:48 तक। तो आइए साथियों जान लेते हैं राशिफल 2 जून 2020। मेष राशि। मान सम्मान की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आय के साधन बढ़ाने के संबंध में आज आप लोगों से मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात सफल भी रहेगी। गले में और कंधे में आज आपको दर्द की शिकायत हो सकती है, अपना ध्यान रखें। वृषभ राशि। सामाजिक एक्टिविटी के अंदर आज अपना समय आप व्यतीत करेंगे। संतान को लेकर कुछ खुशखबर मिलेगी। संतान से यदि कुछ समस्या है, कुछ मनमुटाव है, तो वह दूर होंगे। आज आपका शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, आज वह आपको अपमानित करने की कोशिश जरूर करेगा, अपना ध्यान रखें। मिथुन राशि। कोर्ट कचहरी का यदि कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें। वाद विवाद को बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ससुराल पक्ष से कोई खुशखबर सुनने को मिलेगी। ससुराल पक्ष के लोगों से कहीं न कहीं आपके संबंध सुधरेंगे। पढ़ाई लिखाई को लेकर आज आपका पैसा खर्चा होगा। कर्क राशि। व्यवसाय के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। व्यवसाय से आज आप संतुष्ट रहेंगे। आज अपनी आय अपने इनकम में आकस्मिक रूप से वृद्धि होती हुई दिखेगी। नए लोगों से जुड़ाव महसूस होगा। नए लोगों के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आएगा। सिंह राशि। किसी व्यक्ति के साथ मौखिक वाद विवाद होने के योग प्रबल हैं। कृपया अपनी भाषा पर संयम रखें। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या तो किसी व्यक्ति से या बैंक के द्वारा आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। लंबी यात्रा का यदि आप प्लान बना रहे हो तो आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। कन्या राशि। दुकान पर या मकान पर किसी प्रकार का पैसा खर्चा हो सकता है। संतान को लेकर कोई समस्या आपको आएगी। संतान से मनमुटाव होगा, उससे वैचारिक असमानता देखने को मिलेगी। मामा पक्ष से या नाना पक्ष से आज आपकी मुलाकात होगी और आपको खुशखबर सुनने को मिलेगी। तुला राशि। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आपके जो अधिकारी हैं, जो सहयोगी हैं, जो साथी है, वे आपका सम्मान करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। वाहन थोड़ा धीरे चलाएं, संभल कर चलाएं। लंबी यात्रा का योग है, यदि जरूरी ना हो तो अवॉइड करें। वृश्चिक राशि। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। यदि पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपका पैसा कहीं ना कहीं उलझ सकता है। मित्रों से तथा रिश्तेदारों से आपको मानसिक तथा शारीरिक सहयोग मिलेगा। धनुराशि। आज आप अपने सौंदर्य पे, अपने रूप रंग पर विशेष ध्यान देंगे, खूबसूरत दिखने की कोशिश करेंगे। आज आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, उन्हें अपना बना पाएंगे। कंधे पर या कमर पर आपको दर्द की शिकायत आज हो सकती है। मकर राशि। प्रॉपर्टी को लेकर आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के संबंध में आज आपको प्रोसेस चालू करना चाहिए। प्रेम संबंध को लेकर आज का दिन अनुकूल नहीं है। आपको अपने लव मेट के साथ वैचारिक असमानता का सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशि। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आने के योग हैं। एक व्यवसाय में रहते हुए, एक नौकरी में रहते हुए आप किसी अन्य व्यवसाय या अन्य नौकरी के लिए प्रयास करेंगे और लॉन्ग टर्म में उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध में और इलीगल अफेयर के कारण आज आपकी मान हानि, आज आपकी धन हानि हो सकती है। कृपया इन चीजों से दूर रहें। मीन राशि। आज का दिन कर्जा चुकाने का है। आज आपका पैसा कर्ज चुकाने में जरूर खर्चा होगा। सरकारी कामकाज को लेकर आज का दिन अच्छा नहीं है, कृपया टालें। आज आपको स्किन की प्रॉब्लम या सर दर्द की समस्या हो सकती है, अपना ध्यान रखें। आइए साथियों जानते हैं आज का मनोकामना पूर्ति उपाय। आज नक्षत्र है चित्रा और चंद्रमा है कन्या राशि में।
आज के दिन यदि आप चावल का दान किसी व्यक्ति को या किसी पशु को करते हो, खासकर गाय को यदि करते हो, तो आपको आपकी मनोकामना पूर्ति होती हुई जरूर दिखाई देगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।